शाम ढलते ही ठंड से लोगों का हाड़ कांपना शुरू हो जा रहा है और वो अपने अपने घरों में दुबके जा रहे हैं। लेकिन कई बेसहारा लोग खुले आसमान में सोकर अपनी रात काटने को विवश हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस हाड़ कपाने वाली सर्दी में शाम ढलते ही लोग अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। मगर कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। ऐसे ही लाचार लोग हैं यहाँ के दर्जनों रिक्शा चालक, जो कपकपाती ठंड के बावजूद खुले में सोने को मजबूर है। जिला प्रशासन द्वारा कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। हर साल जिला प्रशासन चौक चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था करती थी, मगर इस बार वो भी नदारद दिखी, जब KRK मैदान स्थित बंद पड़े पुस्तकालय के पास उन रिक्शा चालकों की बेबसी और परेशानी को समझने की हमने कोशिश की तो मालूम चला कि गरीबी का चोला ओढ़े ये रिक्शा चालक खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर है। अगर ठंड से लुका छिपी करने को कुछ है तो उनका रिक्शा ही है। ये रिक्शा चालक अपनी अपनी रिक्शा की ओट में सो रहे हैं ताकि कुहासे का असर कम पड़े और इस कनकनी भरी ठंड में पतले से कंबल में जैसे तैसे रात काटने की कोशिश कर रहे हैं। सनमार्ग के लिए लखीसराय से विश्वनाथ कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।